पिछले 15 सालों से एवरी डे आई गो थ्रू ऑल दी न्यूज़ चैनल्स वेबसाइट्स, इंडियन न्यूज़ चैनल्स, अदर एशियन कंट्रीज एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड सच एज BBC, CNN, यहाँ तक कि फॉक्स न्यूज़ भी. एंड इट हैज़ नेवर हैपेंड दैट द हेडलाइन इज़ जस्ट ऑन इंडिया. सब लोग इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं और करने की ज़रूरत भी है क्योंकि हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं हमारे कंट्री में. इट्स रियली रियली बैड. ये बता रहे हैं जी, एक हफ्ते के अंदर दिल्ली में लाशें आपको सड़कों पे मिलेंगी और सड़क के ऊपर संस्कार होंगे. अब देख लेना. तीन लाख से भी ज्यादा केसेस रोजाना, 2000 से भी ज्यादा मौतें रोजाना लगातार हो रही है. एंड दिस इज द हाईएस्ट एनीवेयर इन द वर्ल्ड. स्केरी थिंग इज दैट वी हैव नॉट हिट द पीक येट. करंट सिचुएशन के बारे में सोच सोच के, घर पे लोगों से बात कर करके, अपने देश की याद भी बहुत ज़्यादा आ रही है यार. सो आई डिसाइडेड कि आज यार तीनों टाइम अपने देश का खाना खाएंगे. एंड आई एम ड्राइविंग टू राइलेंस विच इज़ इन द आउटस्कर्ट्स ऑफ केप टाउन एंड इज इंडियन एरिया हियर. वहीं पे मिलता है असली खाना इंडिया का, और तो इतना ज़्यादा अवेलेबल नहीं है. प्रचंड मात्रा में भीड़ दिखाई पड़ती है. पीछे दिखाओ भैया, आप आपकी चैनल को विजुअल दिखाकर बताइए. डोसा से पूरी समोसा खाने के बाद आई एम नाउ ड्राइविंग टू म्यूजनबर्ग. म्यूजनबर्ग इज अराउंड 30 kilometers फ्रॉम हेयर एंड इट्स ऑन द अदर साइड ऑफ द केप टाउन. म्यूजनबर्ग इज ब्यूटिफुल. इट्स अ स्मॉल टाइनी कोस्टल टाउन फेमस फॉर सर्फिंग. सो आई एम जस्ट गोना गो देर एंड चिल फॉर लाइक हाफ एन आवर, वन आवर, जस्ट ड्राइविंग अराउंड लाइक ट्राइंग टू डाइवर्ट माई माइंड फ्रॉम वॉट्स हैपनिंग बैक होम इन कंट्री. सो जस्ट ड्राइविंग अराउंड, कीपिंग माई माइंड एंगेज्ड एंड टॉकिंग टू यू. किसी भी चीज़ के होने के रीजंस होते हैं, अच्छा हो या बुरा हो, हमेशा रीज़न होता है किसी न किसी चीज़ का. एंड इन दिस केस ऑल्सो देर आर फ्यू रीजंस बिकॉज ऑफ दैट आर कंट्री इज स्टक सो बैडली इन दिस सेकेंड कोविड वेव. फर्स्ट ऑफ ऑल, सेकेंड वेव वॉज ऑलवेज एक्सपेक्टेड, एंटिसिपेटेड. इसको आना ही आना था, इतने बुरी तरीके से आना था, दैट वॉज नॉट एंटिसिपेटेड. एंड आई थिंक आर पॉलिटिशियंस, आर लीडिंग पॉलिटिशियंस, सबसे बड़े बड़े पॉलिटिशियंस जो हैं देश के, दे डिक्लेयर्ड द विक्ट्री सूनर देन दे शुड हैव. उससे क्या हुआ, पब्लिक में मैसेज चला गया कि हम तो विश्वगुरु हैं, सर्वश्रेष्ठ, शक्तिशाली. वन सेकेंड, लेट मी शो यू समथिंग. इस जगह पे एक गाने की शूटिंग हुई थी बॉलीवुड की, आज ब्लू है पानी 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 पानी, उस वाले गाने की उस जगह पे. ओके, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट राइट नाउ. लेट्स गो बैक टू द टॉपिक.
सो पॉलिटिशियंस की रॉन्ग मैसेजिंग के कारण, लोगों के खुद के बिहेवियर के कारण, और ये जो इलेक्शन हुए पूरे देश में, यू नो लाइक व्हेन इलेक्शन हैपेंस दिस बिग पॉलिटिकल पार्टीज विद लॉट ऑफ मनी दे फ्लाई देयर पॉलिटिशियंस फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री. ऐसा नहीं है कि बंगाल में इलेक्शन है तो सिर्फ बंगाल के ही लोग वहाँ पे पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हैं और लीडर्स वहीं के हैं. नहीं, बड़ी पार्टीज देश भर से अपने नेताओं को बंगाल में भेजेंगी, वो लोग वहाँ कैंपेन करेंगे, हो सकता है इन्फेक्शन लेके जाएं, हो सकता है इन्फेक्शन वहाँ से लेके अपनी डिस्ट्रिक्ट में जाएं, और इस पूरे मेस्ड अप की वजह से भी काफ़ी नए केसेस आए हैं हमारे देश में. इट्स अ फैक्ट. Complete and wanton throwing out of COVID norms in any way acceptable at a time when India has just posted more than 1.6 lakh cases in the last 24 hours. And then another reason is हमारे जो वैक्सीनेशन का पेस था, शुरुआत बहुत अच्छी हुई थी एंड उसके बाद इट जस्ट बिकेम फ्लैट. एंड इंटरनेशनल वैक्सीन डिप्लोमेसी इज इम्पॉर्टेंट, बट आई थिंक वी शुड हैव डन बेटर by consuming more domestically than exporting outside. Another important factor for this whole mess is that our politicians, our health system, our policy makers, we all could have done better to prepare ourselves for the second wave. Creating some extra community space for mass hospitalization of the people. कहने का मतलब है अगर किसी गांव या शहर के 1-2-3 हज़ार लोगों को कोविड हो गया, उनको एक साथ उनकी मैनेजमेंट के लिए कोई बड़े इस तरह से डिस्ट्रिक्ट में स्पेस को आइडेंटिफाई करके उनको रेडी करना चाहिए था, वॉर रूम सिचुएशन की तरह, डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान की तरह. We could have done better by stocking more of oxygen, of course we all know that, but also the essential medicines which are required to manage the condition of a patient who needs immediate medical attention after having this COVID infection. I think we have to ensure that this doesn't happen again. Trust me, there is going to be third wave, there is going to be fourth wave. Agle 2-3 saal tak COVID rahega, different spikes aayengi, different waves aayengi. So it's important for us to discuss कि ऐसा हम क्या कर सकते हैं short term में और long run में कि अपने आप को better prepare कर सकें ऐसी बुरी स्थिति में फिर से हमारा public health system, हमारा देश और हमारे देश के लोग ना फंसें. We have to take few steps for that. But what are those steps? It's not a game, it's a rich game. So I think solution is really tough. We are stuck, trapped in this whole mess. We have to have, I think, 3 level of plans, like short term, mid term, long term. Short term is to tackle what exactly is happening right now, which includes ensuring that oxygen, medicine, जो भी ये जरूरत की चीजें हैं, फिलहाल. Thank you so much. फिलहाल जो भी ये जरूरत भरी चीजें हैं, इनका इंतजाम हो सके हर स्टेट में. And then restrictions to ensure that the new infection case rate go down. That's short term, immediately. Abhi ki situation ko kam karo. 3 lakh se jo daily cases ho rahe hain, usko 2 lakh pe lao, fir 1 lakh pe lao, aur thodi kisi bhi tarike se dheere dheere usko kam kiya jaye. Aur saath mein oxygen aur medicines jo hain, ye sab to manage the critical cases, iska intezam ho. Uske baad midterm plan is. मिड टर्म सॉल्यूशन रादर थर्ड वेव आएगी, फोर्थ वेव आएगी, जरूर आएगी. सो वी हैव टू इंश्योर दैट नेक्स्ट टाइम व्हेन दिस वेव हिट्स वी आर बेटर प्रिपेयर्ड. सो आई थिंक वी हैव टू इंश्योर एंड एंटिसिपेट की सिचुएशन अभी की तरह फिर से ख़राब हो सकती है 3-4 महीने बाद, 6 महीने बाद या अगले साल. सो आई थिंक एक्शन प्लान टू टैकल दैट. एंड देन लॉन्ग टर्म प्लान विच आई हैव सेड बिफोर सो मेनी टाइम्स, वी हैव टू स्ट्रेंथन. आई थिंक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन एक ही है एंड दैट इज टू इन्वेस्ट मोर इन आर हेल्थ सिस्टम्स. हम अपने हेल्थ के सिस्टम को आगे इस तरह की जो मुसीबतें आएँ उसके लिए प्रिपेयर करें. बट इवन बियॉन्ड दैट, हमें बहुत ज़रूरत है अपने GDP कॉन्ट्रीब्यूशन, जो हमारा देश का बजट है, उसको
हेल्थ केयर के ऊपर और ज़्यादा स्पेंड करने की। अभी दुनिया में सबसे कम जीडीपी कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स हेल्थ के देशों की गिनती में हमारा देश आता है। वी नीड टू चेंज आवर प्रायोरिटीज एंड स्पेंड मोर ऑन हेल्थ एंड एजुकेशन। नंबर ऑफ डॉक्टर्स है पर थाउजेंड एंड पर मिलियन एंड सो ऑन, वो इम्प्रूव होए और आगे चल के अगर इस तरह की कभी कोई सिचुएशन आए तो हमारी सिस्टम और हमारी कंट्री शुड बी मच बेटर प्रिपेयर देन वॉट वी आर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। ऑल्सो मेरे पीछे एक रेस्टोरेंट है, इसका नाम है पंजाब। I'll get my dinner from here and then go home. See you next time.